भैया और राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। प्रशासन ने भैया आदेश दो है कि पैदल चलो घर से, गाड़ियों से ना करियो, नहीं तो फोन फोड़ दे हैं और नहीं तो चालान कटे। और प्रशासन यही कर रहा भैया। आज से शहर में नहीं, कम से कम पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से प्रशासन आदमी के रोक रहा कि भैया बाजार अगर खुल रहा हो तो गाड़ियों से नहीं निकलो, पैदल निकल के अपनी सौदा तक करो। ये आदमी नहीं मान रहा। सब प्रशासन भी थक गए कि कालो डंडा मारे, कालो इन्हें सूजी दें, हम सूजी जा रहे घर जे। तो उससे अच्छा भैया यही है कि अब इनके चालान काटो, जब आदमी इनकी जेब कटे तब ही आदमी माने। भैया हम तो देखो ये पैदल चले हुए खूब अभ्यास कर रहे हैं, घर ही कर रहे हैं। ठीक है, हम जो चाह भैया कि अगर प्रशासन निर्देश दें तो उनको पालन भाव चाहिए। तो ना देख रहे कहाँ कहाँ चालान कटे चौकों बाजार के आसपास। भैया दूसरी खबर हम बताने जाती चालान कटने लगे, दूसरी खबर जो है कि नगर पालिका ने अपना अभियान सैनिटाइजर को जारी रखो है, जगह जगह छिड़कावे मशीन से करा रहे अपने। हम जो भी बता देंगे भैया, नगर पालिका ने एक और कल से शुरू कर दो, वे कहते 31 तारीख तक की अनुमति हती जो होर्डिंग लगावेगी, वे ख़त्म हो गई। सो अब वे होर्डिंग हटवाने लगे, तो 20 सड़क पे किनारे किनारे जहाँ जहाँ होर्डिंग लगे हैं वे अब हटवा जा रहे, नगर पालिका हटवा रही। CMO साहब बड़े वैसे आते कहते भैया चुगली से डर लगा था मैं तो ना, सो उनने वाइट डेट नहीं दी, लेकिन बताओ कि भैया 31 तारीख तक की अनुमति थी हटवा रहे, और जो कछु बाधक बने थे होर्डिंग यातायात में उन्हें भी हटवाओ जा रहा। अच्छा है भाई, कोरोना के संगे संगे और भी व्यवस्था अगर सुधर जाए तो कहाँ आदमी नगर पालिका के नरक पालिका का है। अगर नगर पालिका नगर प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहे और जो को काम है अगर वो करें तो कहाँ को करिया करें, जो एक समझने वाली बात है। तो भैया जी ऐसी खबर EV हम जो और बता रहे कि शहर में समाज सेवी संस्थाएँ लगातार काम कर रही, और काम के संगे संगे भी जो कर रही कि जो लगातार भूखे प्यासे आदमी हैं उनके लाने में खाना की व्यवस्था करने में लगी है। सो भैया सिद्धेश्वर गौसेवा समिति क्या देख लो हमने, आज सुबह से इनको बनबो शुरू होगा तो भंडारा। अब जो जरूर हो रहा होगा रोज़ शहर में थोड़ी सी सेवाएँ कम हो जा रही, वो आदमी इनके पास मांग ज़्यादा बढ़ रही और लंच पैकेट कम बन रहे। तो अब जो देखने आया कि समाज में नई भूमिका में आदमी नकल किया है, और कहा से अब असली समाज सेवियन की परीक्षा भी आया है। अगर लॉकडाउन तो मुख्य खिंच रहो तो जो मान के चलियो के समस्या गंभीर हुई है, और फिर सेवा के लाने आदमी के नकल के आने आए, कहा से आदमी की भूख बढ़े, समस्या बढ़े, संकट बढ़े। अब तक उतनी किल्लत ना आती जितनी दिख रही थी, लेकिन अब किल्लत हुई है। सो ये हम ले रहे बेटा, सबसे आह्वान यही है कि जो संस्था अच्छे काम में लगी है उन्हें अपने घर बैठ के मदद जितनी कर पाओ करो, कहा से भी बहुत अच्छे काम में लगी है। राम राम भैया।